तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेबस इज वेरी हाई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इस वॉल्यूम को आपने एक साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैसे मैनेज किया? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट के थ्रू सर, गेट और इंस्ट्रूमेंटेशन सर मैंने दोनों की तैयारी की थी। यार पहले तो आपको गेट करने का आइडिया कैसे आया कि भाई आपको गेट अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आइडिया आया आपको? सर तो मुझे गवर्नमेंट जॉब परस्यू करनी थी, इसीलिए सर मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं गेट की और ईएससी की तैयारी करूं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट वाला। सो आई हैव सूरज विद मी एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू सूरज फॉर सिक्योरिंग सुपर मार्क्स इन गेट एग्जामिनेशन। तो सूरज से आज हम लोग बात करने वाले हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब इनकी जर्नी से हम क्या क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं एंड हाउ हिज जर्नी इज मोटिवेशनल टू अस। ओके, तो सूरज सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, कब पास आउट हुए थे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना प्लीज। यस सर, सर मैं देहरादून में सर ग्राफिक राय यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था सर। सर मेरा 2023 में मेरा लास्ट ईयर सर फिनिश हो चुका है सर, और फिर मैंने सर 1 ईयर सर फिजिक्स वाला से सर मैंने सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट के थ्रू सर गेट और इंस्ट्रूमेंटेशन सर मैंने दोनों की तैयारी की थी सर, और मैंने फिजिक्स वाला से ही तैयारी की थी सर। 1 ईयर मैंने सर तैयारी करके सर फिर मैंने दिया था। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक बार जस्ट बेसिक बताइए आपका मतलब रहना कहाँ होता है, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, है ना? यस सर, सर मैं देहरादून का ही हूँ सर, और सर मैं देहरादून में ही तैयारी कर रहा था सर, और कॉलेज भी सर मैंने देहरादून में ही मैंने किया। अच्छा, मतलब आप अपने और होम टाउन से परस्यू कर रहे थे, राइट? यस सर, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार पहले तो आपको गेट करने का आइडिया कैसे आया कि भाई आपको गेट अटेम्प्ट करना चाहिए, या कैसे आइडिया आया आपको? सर सर पहले तो सर मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले ली थी सर। सर तो मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच मैंने ली थी सर, इसीलिए मुझे और ये था कि सर गवर्नमेंट जॉब करनी है सर, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब परस्यू करनी थी, इसीलिए सर मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं गेट की और ईएससी की तैयारी करूं सर, तो इसीलिए सर मैंने गेट करने की सोची। अच्छा, मतलब आपका जो एक मेन एजेंडा इंटेंशन था वो ये था कि यू शुड गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, गुड गवर्नमेंट जॉब, उससे आपने गेट और ईएससी भी पकड़ा, ठीक है, सुपर। तो यार जैसे जब भी हम लोग गेट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करते हैं ना, तो आप जैसे ड्रॉपर भी हो, है ना, तो टेल मी अबाउट योर ड्रॉप ईयर, मतलब कैसा आपका ड्रॉप ईयर में था, आपको प्रेशर था कि नहीं था, और यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट कि गेट हो जाएगा, कैसा था आपके पास ड्रॉप ईयर एक साल? सर सर ड्रॉप ईयर में सर थोड़ा ये था सर कि मेरे साथ के जो बच्चे थे सर वो जॉब्स में चले गए थे सर, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली थी सर मेरे कॉलेज के बच्चों ने सर, तो थोड़ा ये था कि पर सर ये था कि सर मैंने जितना भी मेरे से हो सका मैंने अपना ड्रॉप ईयर का पूरा टाइम, जितना भी मेरे पे दिन में टाइम होता था मैं पूरे टाइम अपना डेडिकेशन के साथ देता था सर, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं सर ये लग रहा था कि इस बार मेरा हो जाएगा सर, क्योंकि सर मैंने बहुत दिल से तैयारी की थी। सुपर, ये आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि आपने दिल से तैयारी की थी, तो यू आर नॉट अफ्रेड, है ना, कभी भी आप किसी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, दिन रात करके लगे रहते हैं, तो हमारा वो डर जो होता है ना, वो डर खत्म हो जाता है। ये आपने एक बहुत ऑनेस्ट बात बताई सबको, है ना। अगर आप हम कहीं ना कहीं अपने काम में लैग करते हैं, हम ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, 7 दिन में से हम 4 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, उस सिचुएशन में फिर हमारे ऊपर प्रेशर बिल्टअप होता है, ठीक है। तो यार जैसे अपन गेट प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, तो आप कौन से बैचेस में थे पीडब्ल्यू के, हाउ डिड पीडब्ल्यू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड ऑल, इसको बताइए एक बार। सर मैंने स्टार्टिंग में सर पराक्रम बैच ज्वाइन किया था, पराक्रम बैच डी सर मैंने ज्वाइन किया था सर, मैंने फेबररी में वो सर फेबररी में स्टार्ट हो गया था सर वो बैच लास्ट ईयर सर, तो वहां से मैंने शुरुआत की थी और मैंने पराक्रम बैच से ही पढ़ा था सर पूरा। ओके, 100% कंटेंट आपने पराक्रम बैच से पढ़ा था, ठीक यस है। सर, आप मतलब वीडियो लेक्चर्स देखते थे, साथ में नोट्स बनाते थे, डीपीपी पीपी सब कुछ हाँ आपने एकदम बिट बाय बिट फॉलो किया पीडब्ल्यू को, टू यस सर सिक्योर अ गुड रिजल्ट, राइट, है यस ना। सर यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब छोटे छोटे से, यहाँ ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट ना 30 घंटे 40 घंटे में खत्म हो गया, या सब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसी कि सरफेस पे पढ़ाई नहीं होती, बहुत डेप्थ जाना पड़ता है हम लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेबस इज वेरी हाई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इस वॉल्यूम को आपने एक साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैसे मैनेज किया? सर सर पहले सर जैसे मैं कॉलेज में पढ़ रहा था सर, तो बेसिक बेसिक आइडिया तो मुझे हो गया था सब्जेक्ट्स का सर, क्योंकि कॉलेज में अभी वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो इलेक्ट जो गेट में आते हैं सर। फिर ये था कि सर मैंने जितने भी लेक्चर्स थे सर देखे, मैंने सारे लेक्चर थे और नोट्स मैंने सबके बनाए थे सर, मतलब जो जो क्लास में पढ़ाते थे मैं लॉन्ग नोट्स सबके बना लेता था सर, पर मतलब जो जिस जिस चीज ने मुझे काफी मदद की सर वो थे मेरे शॉर्ट नोट्स, और मतलब मैं लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करता था, उस हिसाब से करता था कि सर क्या चीज एग्जाम में पूछी जाएगी और वही चीज क्या चीज मैं एग्जाम में कैरी करूंगा सर, उस हिसाब से मैंने सर शॉर्ट नोट्स बनाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आपने शॉर्ट नोट्स को काफी अच्छे से यूज किया, ठीक यस है। सर। यार एक एक ना बहुत बच्चे लोग के मन में डाउट रहता है, और थोड़ा सा शॉर्ट नोट जो है ना बहुत फैंसी वर्ड भी हो गया है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कई लोगों का शॉर्ट नोट्स में देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार इसने लॉन्ग नोट्स से बहुत कम चीजें एलिमिनेट कर पाई है, ठीक है। तो यस एक सर। करेक्ट एल्गोरिथम क्या होता है लॉन्ग नोट से या अपने मेन नोट से शॉर्ट नोट्स बनाने का? सर सबसे पहले तो सर मुझे लगता है कि सर जो चीज़ तुम्हें तुम भूल रहे हो ये तो उस चीज़ को तुम डालो, और सर जितने सर जो मतलब डेरिवेशन वगैरह तो छोड़ दो, और जितने भी रिजल्ट्स हैं वो चीज़ होनी चाहिए सर, क्योंकि सर मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा तो हम चाहे हम उसको कर पाए। मतलब और सर मतलब हाँ, फॉर्मूला वॉर्मूला को पकड़े, मेन मेन चीजों को पकड़े, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं, राइट। यस सर, यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आप एमटेक की तरफ जाना चाहेंगे कि आप पीएसयू या ईएस के प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैसा आप सोच रहे हैं? सर अभी सर एमटेक भी सर मैं सोच रहा हूँ कि सर मैं एमटेक परस्यू कर लूँ, और सर 2 ईयर एमटेक कर लूँ सर किसी आईआईटी से सर, और फिर मैं सर गवर्नमेंट जॉब करूँ। और पैरेलली आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह के भी प्लान करते रहेंगे, यस ठीक सर। है, सुपर। आप पूरा जैसे आप एक 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 गेट वाला जो सेगमेंट है, हम लोग का काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, हम लोग हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं गेट वाला में, पीवाईक्यूज बुक वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया है, ठीक है। तो गेट वाला ने आपको आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में टॉप टू बॉटम कैसे हेल्प किया, एक बार बताइए प्लीज़। सर पूरी सर मुझे ऐसा लगता है सर जी सर गेट वाला में सर सब कुछ तो करा देते थे, मतलब जैसे लेक्चर्स लेक्चर्स होते थे, हम मतलब हमारा काम ये मेनली होता था कि हम लेक्चर्स को अटेंड करें, सारे लेक्चर जितने भी हो रहे हैं, और फिर सर वो डीपीपीस प्रोवाइड करते थे और रेगुलर वीकली टेस्ट लेते थे सर, जिससे काफ़ी मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है सर अगर हम उस पूरे उस चीज़ को फॉलो करें तो। मतलब पूरा आपने टॉप टू बॉटम इसको यूज किया, बढ़िया सर, प्रिपरेशन किया, ठीक है। यार सूरज, अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका बहुत अच्छा आपको कॉलेज मिले, आपका मन मुताबिक कॉलेज मिले, है ना, यस और सर। आप लाइफ में और अच्छा करोगे, क्योंकि आगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। आप जैसे गवर्नमेंट जॉब एम कर रहे हैं, तो आईएएस आईएएस सब कुछ आपके पास ओपन रहेगा, ठीक है। यस सर। तो इट वॉज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, है ना, एंड अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। वी होप कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले, है ना, और आप आगे अपना करियर परस्यू करें। ओके, थैंक थैंक यू सर। यू, थैंक यू सो मच।